हैं, जो हमारे रियल हीरोज हैं, जो इसका इलाज कर रहे हैं, ऐसे सब लोग जो प्रशासन के नाते से इस बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं, समाज के वो सब लोग जो इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, जो ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, हमारे मजदूर हैं, आप सभी के लाइन पर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे दुकानदार हैं, ऐसे सब लोग इनके साथ किस प्रकार से सहायता करनी है इनकी, इन सब विषयों पर चलते रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे बंधुओं के साथ आपको रूबरू कराऊंगा जो इस युद्ध के वास्तव में वास्तविक सैनिक जिनको कहा जा सकता है। इनमें वो लोग जो पॉजिटिव होने के बाद और अपने इलाज के बाद राष्ट्र रक्षकों ने जिनकी सेवा की, जिनका इलाज किया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिक्स ने, ऐसी उनकी सेवा, उनका इलाज और उसके बाद वो नेगेटिव होकर के और रिकवर हो गए, अपने इस खतरे से बाहर निकल आए, जिन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी, वास्तविक लड़ाई लड़ी और वो जीते हैं, कोरोना को हराया है। इनको टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद एक लगातार खतरा बना, ये जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे थे, जिंदगी इनकी दांव पर थी, लेकिन उन्हें हौसला नहीं छोड़ा और आखिर जीत करके बाहर निकले हैं। ऐसे कुछ लोगों से मैं आपकी आज बातचीत कराने वाला हूं। हमें यह भी ध्यान में है कि इस दौर में और बहुत से लोग जिनकी सावधानियां बरत रहे हैं, हरियाणा में लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको, जिनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, जो इस समय क्वारंटाइन में है, चाहे अपने घरों में है, चाहे उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। 4,000 लोगों के लगभग टेस्ट हुए हैं और इस टेस्ट में 180 के लगभग लोग जो पॉजिटिव निकले हैं, जो अस्पतालों में इलाज जिनका हो रहा है। उन 180 लोगों के इलाज में 36 लोग ऐसे हैं अपने प्रांत के, जो सुरक्षित रिकवर होकर के, जिनको वहां से छुट्टी दे दी गई है, उन्हीं लोगों में से आज जो कुछ लोग, 4-5 लोग मेरे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं आपकी बात कराऊंगा। सबसे पहले एक बहन मंजू है जो हमारे इस लाइन में साथ जुड़ी है। मंजू जी, आप लाइन पर है बताइए। हाँ जी नमस्कार, सभी को। हाँ नमस्कार मंजू बहन। अभी जो हमको ये जानकारी दी गई है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट आया कोरोना में, किस दिन आया था ये पॉजिटिव टेस्ट? 30 तारीख को आया था। 23 मार्च को पॉजिटिव टेस्ट आया। कौन से अस्पताल में आपका इलाज हुआ? पीजीआई में आपका इलाज हुआ। और देखिए, सब डॉक्टर्स की, सब लोगों की यानी सहायता से, इलाज के कारण से आप अब नेगेटिव आ गए हैं और आपको ठीक घोषित कर दिया गया है। जिस दिन सबसे पहले आपको पॉजिटिव का आया होगा, आपके मन में किस प्रकार के विचार आए उस समय? पहले आप घबरा गए थे और अब आप बिल्कुल ठीक हो गए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। कितने दिन आप अस्पताल में रहे? 10 दिन। दस दिन आ रहे। तो 10 दिन में वहाँ डॉक्टर ने, नर्सों ने, सब लोगों ने आपके इलाज में कोई कमी तो नहीं छोड़ी होगी? कोई कमी छोड़ी जी, बिल्कुल पूरा ध्यान रख रहे हैं। दवाई टाइम पे देते, खाना टाइम पे देते थे, बिल्कुल अच्छी तरह से खाते थे सभी। अच्छी तरह। आपके परिवार के लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई नहीं जी। नहीं हुई है। आज आप एकदम ठीक हो गए हैं, आप किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं? आज एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, उसमें जीत होने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? वैसे तो ठीक हूँ बिल्कुल जी, पर गाँव वाले जीना आराम कर रहे, कोई बोलता भी नहीं, दूरी बंद करा कर जी पूरी। हाँ जी, पड़ोस वाले कोई नहीं बोलते, दिन भर किराए पर कमरा भी खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं, बीमारी आ गई हमारे गांव में। हमने लोगों को अपील की है कि जितने भी इस रोग से ग्रस्त हुए हैं, इनके साथ सहानुभूति दिखानी हमको। आखिर ये सहानुभूति लड़ाई
जीते हैं इन्होंने, इनके प्रति हमारी सहानुभूति और इनकी सहायता हर चीज हम करेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आज ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को कहूंगा आपको किसी प्रकार की कोई तंगी ना गांव में ना जहाँ आप काम करते रहे वहाँ होगी, कोई कठिनाई आपको तकलीफ नहीं आने देंगे। आज के बाद आप चिंता मत करिए, हम आपको वहाँ का जो डीसी है उनको मैं कहूँगा आपके पास कोई ना कोई पहुँच करके और सब बातें आपकी ठीक कराएंगे। आपने बहुत लड़ाई एक जीती है, आप हमारे लिए उम्मीद बीमारियाँ बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ये भी सब व्यवहार कर रहे दीदी। नहीं नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल सिंह जी सर, ले रहा हूँ सर, एक मिनट। अमृतपाल जी? हाँ जी। अमृतपाल जी आप कहाँ रहते हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर। और मुझे ये पता लगा था 28 तारीख को कि मेरा रिपोर्ट जो पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद फिर मैं इधर सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ उसके बाद, और बहुत बढ़िया एक क्लास मेरा इलाज हुआ वहाँ पे, बहुत बढ़िया डॉक्टर सेन थे, उनकी ने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया माहौल मुझे मिला। और मैं परसों मेरे को छुट्टी मिली, 14 दिन मैं वहाँ पे रहा, 14वें दिन मुझे छुट्टी मिली। 14 दिन? हाँ 14 दिन में, मतलब 14वां दिन था, मैं 28 तारीख को एडमिट हुआ था और 10 तारीख को मुझे छुट्टी मिली वहाँ से। तो बहुत अच्छा मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ। किसी प्रकार की कोई आपको डॉक्टरों से या वहाँ का जो स्टाफ है उनसे व्यवहार सब ठीक मिला? नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया व्यवहार था वहाँ पे, साफ सफाई का बहुत अच्छा उमदा उन्होंने प्रबंध किया था और बाकी बहुत अच्छा स्टाफ था, डॉक्टर्स भी दिन में 2 बार मुझसे मिलते थे आगे, और बहुत बढ़िया उन्होंने मुझे माहौल दिया वहाँ पे, बहुत बढ़िया था। बाकी संघर्ष में से आप निकले हैं, आपको जिस दिन ये पहचान हुई कि पॉजिटिव आपको पाया गया है इस बीमारी के लिए, बाद में अब जैसे आप इलाज करके बाहर आ गए स्वस्थ होकर के, आपका टेस्ट भी नेगेटिव आया है, अब आपको क्या 14 दिन के बाद में कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया हो रहा है सर, और मेरे इधर जो हमारी सोसाइटी है इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया है, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं मिली हुई, मेरे को जो भी लोग मुझे मिले हैं सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे मिल अभी तो मैं मिल नहीं रहा, अभी तो अपने घर में भी अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है मैंने, अभी कम से कम 14 दिन के लिए और बताया होगा आपने। हाँ, मैं अभी अपने कमरे में ही हूँ बट, लेकिन सोसाइटी में सब फोन करके मुझे बहुत वेलकम कर रहे हैं, मैं मतलब सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया मेरे साथ ट्रीटमेंट हुआ है सर। तो वास्तव में ही आप जैसे लोगों से बात करके हमको एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के साथ साथ प्रेरणा भी मिलती है कि एक जीवन और मृत्यु के संघर्ष में से आपको हमारे राष्ट्र रक्षकों ने बचा लिया है और एक बहुत अच्छा परिणाम जो निकला है, आपसे मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आप जैसे और बहुत लोग आज जो हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं, वास्तव में ये सारी बात की जब उनको भी पता लगेगी एक आशा उनको भी बन रहेगी। और मैं कहता हूँ कि अगर ये रोग आया है और टेस्ट में कोई आगे भी पॉजिटिव निकलता है तो हरियाणा में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमने, बल्कि सारे देश में अच्छी व्यवस्थाएं हुई है, जिस वजह से मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग आज जैसे 36 लोग ठीक हो गए हैं, अभी 179 लोग इस समय है, बाकी लोग भी ठीक होकर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लोगों को घबराना नहीं चाहिए, लोगों को आगे बढ़ के इसके लिए सहयोग करना चाहिए, और जिस तरह से अच्छा ट्रीटमेंट मेरे को मिला है मुझे लगता है सबको वैसा ही मिल रहा है, और इस हिसाब से मेरे को किस लगता है किसी को घबराना नहीं चाहिए और मन में विश्वास रखें तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगले हमारे जो ऐसे जो सज्जन है जो ठीक होकर के आए हैं, मनु वैश्य। मनु वैश्य जुड़े हैं लाइन पर? हाँ जी जुड़े हैं, आपको आवाज आ रही है? हाँ 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 जी, नमस्कार। नमस्कार, मनु वैश्य बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। और मुझे मेरे सिम्टम्स चालू हुए थे 9 तारीख को मार्च की, तो फिर टेस्टिंग के बाद फिर मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था,
तो लगभग 2.5 हफ्ते में हॉस्पिटल में रहा। वहां से डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा था, अच्छी उन्होंने सेवा की, अच्छा ध्यान रखा। 25 मार्च को मैं रिलीज हुआ था। उसके बाद 2 हफ्ते का घर पे रहना होता है, तो वो भी मेरा कल परसों खत्म हो गया, तो वो भी खत्म हो गया है। और अच्छा रहा, सुबह पूरा पूरा जो एक्सपीरियंस रहा अच्छा था। अभी हमारी सोसाइटी को अभी अभी उन्होंने कंटेनमेंट जोन बना दिया है। थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जिस दिन मैं ठीक हुआ उसी दिन उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाया, तो और उससे काफी सारे लोग इम्पैक्टेड हैं, जबकि हमने काफी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरी कर ली थी। तो सिर्फ ये एक छोटी चीज है, अदरवाइज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा लग रहा है ठीक होके। मनोज जी, जब इस प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो कष्ट तो बहुत लोगों को सहना पड़ता है, बड़ा स्वाभाविक है। आखिर जिस जगह पर इस प्रकार के केसेस थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, वहां आगे और संभावित खतरों को रोकने के लिए ये सब प्रबंध किए जाते हैं। वहां कोई ना कोई ऐसा कंटेनमेंट का जो एरिया घोषित किया जाता है, इसी कारण से किया जाता है ताकि और लोगों को किसी प्रकार की बीमारी ना लगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हॉस्पिटल में 2.5 हफ्ते बिताए, वहां किस प्रकार से बिताते थे? सारा दिन भर में क्या सोचते थे? कुछ काम करते थे, पढ़ाई करते थे, या कोई आप किस प्रकार से अपने आप को व्यस्त रखते थे? तो कमरे में टीवी तो नहीं था, तो फोन जरूर था, तो काफी समय फोन पे ही लगता था। लोगों से बात करना, बच्चों से बात करना, काफी सारी खबरें न्यूज रहती है इसके बारे में, क्योंकि मेरा केस काफी जल्दी था। इंडिया में आई थिंक हरियाणा में दूसरा केस था। तो काफी जो क्या है ये बीमारी उसके बारे में थोड़ी जानकारी ज्यादा लेने की, मतलब उसी में टाइम बीता ज्यादातर तो। और बीमारी भी थी ही, तो कई बार तो मतलब उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप का ध्यान रखना पड़ता आप एक ऐसी बीमारी से जिसके बारे में बहुत घबराहट बनी हुई थी, उसमें से आप ठीक हुए हैं, तो आपके जीवन में आपको कोई लगता है कि आपके जीवन में कोई विशेष बदलाव आएगा? है। बदलाव तो आएगा जब आप इस तरह के किसी भी संघर्ष से निकलते हैं, तो आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा आभास होता है। तो फर्क तो आएगा, और भविष्य में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरों को भी उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो यही बदलाव रहेगा। आपको क्या लगता है कि एक प्रकार का पॉजिटिव जो ये केस आपका बना, तो ये कहीं विदेशी किसी व्यक्ति के साथ संबंध आने पर, या कहीं खुद आप विदेश गए थे, कैसे हुआ था ये? आपको कोई आभास है इस बात का? मैं विदेश गया था, तो मैं विदेश से वापस आया था 7 तारीख को, और मेरे को जैसे ही हल्का बुखार लगा तो मैं 9 तारीख को सफदरजंग में एडमिट हो गया था। तो विदेश से ही आया था मेरे को। चलिए, समय से आप लोगों ने, आपको पता लग गया और आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए, और उसमें एक 15-16 दिन वहां रह करके और इस संघर्ष में से आप ठीक होकर निकले हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हमारे साथ एक और नौजवान साथी जुड़े हैं, कपिल चोपड़ा। कपिल चोपड़ा जी, आप भी बताइए कि आपने किस प्रकार से अपने हॉस्पिटल में, या उससे पहले की कुछ बात, या आज की बात आप किस प्रकार से हमारे साथ शेयर करेंगे जनता के साथ? कपिल जी लाइन पर हैं? सर हाँ सर, है, ले रहा हूँ सर। नमस्कार। हाँ नमस्कार कपिल जी। मेरा 22-23 तारीख को मेरे को थोड़ा बुखार शुरू हुआ था, ज्यादा नहीं था, मगर वो नॉर्मल मेडिसिन डॉक्टर से लेके, और जब लगा 3-4 दिन में कि ये सुधर नहीं रहा, तो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में गुड़गांव में, मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव में आर्टिमिस हॉस्पिटल करके है, तो इसमें एडमिट हुआ था। वहां पे मेरा शुरू में उन्होंने 3 दिन 4 दिन यही बुखार का ट्रीटमेंट किया, नॉर्मल जो है एंटीबायोटिक दे के, उन्हें भी लग रहा था कि नहीं, क्योंकि और सिम्टम कोई नजर नहीं आए, मगर
दो तारीख को फिर जब उन्होंने मेरा सीटी किया, उसके बाद दो तारीख को उन्हें लगा कि भाई इसमें कोई छोट निमोनिया है तो कोविड का टेस्ट करना चाहिए। जब टेस्ट में ले जाके तो वो पॉजिटिव आया। उसके बाद से मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे भी इन्फॉर्म हो गया, और शुरू में तो मेरा पहला प्राइवेट टेस्ट उन्होंने करवाया किसी लैब से, उसके बाद आपके यहाँ से सिविल हॉस्पिटल से आगे उन्होंने भी टेस्ट किया, अगले दिन ही उन्होंने टेस्ट किया। मीनवाइल मेरी फैमिली के भी जो है चारों लोगों के टेस्ट किए गए जो नेगेटिव आए, जो बहुत बड़ा एक रिलीफ था मेरे लिए हॉस्पिटल में। बाकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से फिर मेरा उसके बाद चला, और अब मेरे दो टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं। मैं आज ही सुबह रिलीज हुआ हूँ हॉस्पिटल से। बहुत अच्छा, बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामना बधाई। आप ठीक होकर के निकले हैं। आप जो इस प्रकार के इलाज में अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश देना चाहेंगे? पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो प्रिकॉशन है वो सारी लेनी पड़ेगी। मैं तो जब अपने आप भी हॉस्पिटल में था तो मेरा ये था कि जो हमारी सोसाइटी है, मैं वहां से जो भी टाइम मेरे पास बहुत था तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखता रहता था, खासकर सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि बिना हेल्प के, बिना मेड के, बिना भतीजों के, एक इस उम्र में उनको लग रहा था कि कैसे किया जाए मैंने, तो मैं यही लिख रहा था कि इस वक्त तो एक एक दिन लेके चलना पड़ेगा और आपको जो है ये टाइम काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्क लेंगे थोड़ा भी तो वो भारी पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। एक हमारे पास बहन मोनिका है, मोनिका के बच्चे को, मोहित कुमार को पॉजिटिव पाया गया। मोहित कुमार छोटा बच्चा है और अभी चैलेंज स्पेशली चैलेंज बच्चे जो बच्चे होते हैं उस प्रकार का ये बालक है, तो खुद मोहित तो हमें नहीं बता पाएंगे, लेकिन मोनिका इनकी माता जी वो हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका जी, आप बताएंगे कि आपके बेटे को ये जो पॉजिटिव पाया गया तो उस समय आपके मन पर क्या बीती होगी? नमस्ते सर, मोनिका बोल रही हूँ मैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बेटी एक्चुअली मेरी बेटी बाहर पढ़ती है लंदन में, तो वो आई थी वापस, हमने उसको बुलाया था कि बेटा बॉर्डर क्लोज हो रहे हैं आप वापस आ जाओ, तो वो वापस आई, उसको अगले दिन ही फीवर हो गया, तो फीवर होते ही हम उसको सीधा सिविल हॉस्पिटल में, मैं गुड़गांव से हूँ, सिविल हॉस्पिटल के सेक्टर 10 में ले गई उसको टेस्ट कराने की, शक था कि भी फीवर हुआ है और बाहर से आई है, ट्रेवल हिस्ट्री है, तो हम इसका टेस्ट ही करा लेते हैं। टेस्ट में नेक्स्ट डे उसका 16 को टेस्ट हुआ, 17 को पॉजिटिव आया, हमने तभी उसको हॉस्पिटल सिविल में एडमिट करवा दिया। फिर उन्होंने पूरी फैमिली मेंबर्स के सबके टेस्ट किए, टेस्ट किए तो उसके 18 तारीख को बेटे का भी आ गया पॉजिटिव, तो मैंने बेटे को भी साथ ही साथ एडमिट करवा दिया। फिर दोनों बच्चे 3-4 दिन तो सिविल हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद वहां पर थोड़ी जैसे फैसिलिटीज की देखो वो तो प्रॉब्लम तो होती है सिविल में, क्लीननेस बहुत अच्छा था और स्टाफ बहुत ही अच्छा है सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल का, पर क्योंकि बच्चों को उस तरह के माहौल की आदत नहीं है तो फिर हमने उनको फोर्टिस में एडमिट करवा दिया था। फोर्टिस में एक हफ्ता बच्चे रहे हैं, तो 16 तारीख से बेटी का शुरू हुआ, 18 से मेहुल का शुरू हुआ और 29 मार्च को दोनों बच्चों के दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए और दोनों बच्चे 29 मार्च को घर वापस आ गए। दोनों ही ठीक है? हाँ जी, दोनों बच्चों का आज जो घर में भी 14 दिन तो उनके हॉस्पिटल में पूरे हुए और उसके बाद जो 14 डेज घर पर भी उन्होंने आने के बाद डॉक्टर ने बोला था वो आज उनका कंप्लीट हो गया 28 डेज का, और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी मतलब बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि दोनों को सिर्फ एक एक बार फीवर हुआ था, इसके बाद उनको कोई सिम्टम नहीं था किसी भी तरह का। मोनिका जी बहुत बढ़िया, देखिए दोनों बच्चों का इलाज हो गया, दोनों आज नेगेटिव हो गए हैं, तो इनका थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, अभी आप इनका ध्यान जरूर रखेंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे घर पर हैं और बिल्कुल रिकवरी में है, क्वारंटाइन में, कहीं बाहर नहीं जा रहे हम। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। अभी हमने ऐसे बंधुओं से बातचीत की है, 5 कहिए जिनके स्वयं के ये अनुभव आपको ध्यान में आया कि किस प्रकार वो पॉजिटिव से बाद में इलाज होने के बाद नेगेटिव आए हैं। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इलाज चला रहे हैं, इलाज चल रहा है, हमारे जो राष्ट्र रक्षक लोग हैं वो सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी सहायता से, प्रभु की कृपा से सब वो ठीक होंगे। ऐसी बहुत बड़ी संख्या, अगर मैं दुनिया की बात करूं तो 4,09,000 लोग दुनिया के आज जो है
इस प्रकार जो अफेक्टेड लोग हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इलाज में चल रहे हैं, भारतवर्ष में अकेले में 983 लोग हैं, हरियाणा की बात करूं तो मैं 36 लोग हैं जो ठीक हो गए हैं, 409,000 लोग जो ठीक हो गए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो ठीक नहीं हुए हैं वो लगभग 17 लाख लोग तो पूरे विश्व के हैं, और अपने देश के भी लगभग 7,500 लोग अपने देश में हैं जो पॉजिटिव इस समय हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हरियाणा में भी मैंने बताया 180 लोग ये हैं। मैं आशा करता हूं कि सब लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब लॉकडाउन के कारण से जिस प्रकार से एक आम आदमी की जिंदगी भी बड़ी दूभर हुई है, मजदूर की जिंदगी दूभर हुई है, व्यवसायी, दुकानदार, किसान, सब लोगों के ऊपर एक ये कष्ट आया है। अब घर में एकांतवास रहने वाला परिवार, इनको भी थोड़ा मैं जरूर इस अवसर पर मैं अपील करना चाहूंगा कि अपने समय का, क्योंकि लॉकडाउन जो है ये हमारा 15 अप्रैल के बाद मुझे लगता है कि 2 सप्ताह ये और बढ़ेगा, तो अगर 30 अप्रैल तक भी ये चलता है तो हमको अपने समय का सदुपयोग ठीक करना चाहिए। मैंने पिछले दिनों में भी बातचीत में कहा था कि हम लोग अपने समय का उपयोग अपने आदतें ठीक करने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने नए काम सीखने के लिए, जो अधूरे काम बचे हैं उनको करने के लिए, ये सब हम करें, और इस नाते से जो एक एकांतवास की भी कभी कभी जो ऊर्जा हमको मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा, उसका उपयोग करें। जैसा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे देश में तो हमारे जो सन्यासी लोग हैं कभी कभी वो एकांतवास में इसीलिए जाते हैं कि एकांतवास में रह करके अपने जीवन को साधना में, त्याग में जीवन बिता करके, कठिनाइयां सहने में और अध्ययन करने में इस प्रकार से लगाते हैं कि जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा निखार करके वो बाहर निकलते हैं। लॉकडाउन पीरियड समाप्त हो तो निश्चित रूप से हम भी अपनी उस ऊर्जा में बाहर निकलेंगे। मैं एक और अपील आपसे करना चाहूंगा कि अपनी आदतों में, परिवार का मानो कोई सदस्य यदि किसी आदत के कारण से नेगेटिव उसको किसी प्रकार का कोई व्यवहार उसका बना है, मानो कहीं कोई ड्रग लेने वाला कोई हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है, शराब पीने वाला हो सकता है, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसको उसका उसके ऊपर ध्यान रखें और उसकी आदतों में हम सुधार कराएं। यदि हम सुधार कराते हैं तो हमारे परिवार का एक सदस्य, हमारा भाई हो सकता है, हमारा पिता हो सकता है, हमारी किसी बहन का पति हो सकता है, तो इस बुरी लत को छुड़ाने का भी उपयोग यह है। अगर हमने 18-20 दिन जो अगले और बचे हैं इनके अंदर अगर हमने काबू पा लिया, मुझे ये भी मालूम है कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति जिससे अचानक शराब छुड़ाने की बात की जाती है उसका स्वभाव भी बड़ा चिड़चिड़ा होता है, घर में वातावरण भी वो खराब करता है, तो लेकिन घर में हम संभालने वाले सब लोग ऐसे किसी भी साथी को, अपने सदस्यों को संभालने का प्रयत्न करेंगे तो एक पूरे जीवन भर उसके जीवन में भी सुधार आएगा। तो ये सब बातें हम लोगों को करनी है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जो कोरोना नाम की बीमारी है, जैसे इन साथियों ने एक लड़ाई की है, ऐसे किसी भी साथी को अगर इस प्रकार का कोई ये बीमारी लगती है, पॉजिटिव आता है, तो उसे संघर्ष करना है। कोरोना से न डरना है, न हारना है, बल्कि हमने जीतना है, इसको हराना है। मेरा पूरा विश्वास है कि कोरोना के संघर्ष में कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा, ये मेरा विश्वास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।